हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं रोड ट्रिप के लिए। हम लोग जा रहे हैं कहाँ? अमृतसर। दरबार साहब जा रहे हैं और हम लोग 10:30 के अराउंड निकले थे पटियाला से। 10:30 के अराउंड निकले थे, 1-2 घंटे में हमने गैप थोड़ा किया। और ये कहाँ हम लोग हैं? जलंधर। जलंधर से थोड़ा आगे हैं, लवली प्रोफेशनल, नहीं जलंधर ही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बर्गर किंग पर गए, छोटा सा ब्रेक और चलते हैं फिर आगे। पटियाले से 10:30 निकले और अमृतसर रीच टाइम हमें आ रहा है 3 बजे। तो हमारे घर से पटियाले से अमृतसर का जो पूरा टोटल लगता है 4 घंटे लगते हैं। अगर हम लोग बीच में कहीं रुकते हैं तो 4.5 घंटे लगा लो। रोड बाय रोड जा रहे हैं तो फैमिली है तो रुकते ही जाते हैं, तो 4-4.5 घंटे लग जाते हैं। और रोड्स तो बहुत अच्छी हैं, पहले था सिंगल रोड्स वगैरह होती थी, अब तो बहुत अच्छा वे हो गया है। और अगर आप लोग पटियाले से आ रहे हैं अमृतसर तो आपको 4 घंटे ऑलमोस्ट लग जाएंगे। तो अभी हम लोग होटल में चेक इन करते हैं और उसके बाद आज हम लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि संडे है, संडे बहुत ज़्यादा संगत होती है। तो हम लोग कल जाएंगे और हम खुद भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। और बाकी जो पूरा ये हमारा अमृतसर का व्लॉग रहने वाला है वो पता लग जाएगा कि एक ही है वीडियो या हम लोग स्टे तो करने के लिए काफी आए हैं, अच्छे से 5-6 दिन का सोच के आए हैं। बाकी जो हो गया गो विद द फ्लो, हम गो विद द फ्लो, होटल और सब कुछ गो विद द फ्लो ही है। पहली बार हम लोग बिना बुक किए आ रहे हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि नियर गोल्डन टेम्पल के नियर ही स्टे करें, होटल वगैरह जो लें बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के नियर लें। वो भी अगर गो विद द फ्लो है, अगर हमको पहले कोई अच्छा दिख गया तो हम उसी हिसाब से। तो जो भी रहेगा हम लोग खुद भी देखेंगे और आपको भी बता देंगे। तो इग्नोर बताएगा क्या है ये ट्रिप, गो विद द फ्लो। पंजाब की ट्रिप का आइडिया आई थिंक, अगर हमको कहीं रुकना भी होता हम पीछे भी रुक जाते, मगर हम लोग सीधा अमृतसर जा रहे हैं। वापसी भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम होके आते हैं वापस आते हुए। तो रोड्स काफी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आता है साइड्स पे, भी बहुत अच्छा है, व्यू अच्छा है। तो अभी हम लोग होटल चलते हैं और आपको भी चेक इन के बाद मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 बजे हम लोग पहुंच गए थे, होटल में चेक इन कर लिया है और अब हम लोग शाम को जाएंगे घूमने के लिए। अभी तो फिलहाल तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। नियर टू हमने लिया है दरबार साहब, होटल का नाम है क्लासियो, जो भी है हम डिटेल में बताते हैं, बताएंगे इसकी भी। तो और इस होटल का भी हम आपको पूरा रिव्यू वगैरह दे देंगे, क्या है कैसे रूम्स हैं, वीडियो बना देंगे इस होटल की, क्या ब्रेकफास्ट है, कैसे है ये, कितने का पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हमने यहीं आके पे किया इन लोगों। इस बार हम लोगों ने दरबार साहब के नियर बाय लिया होटल। तो बाकी अच्छा बना हुआ है, रूम वगैरह अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, ठीक है। और ये कुछ बार का व्यू है और बाहर का घरों का व्यू है, ये सबके घर। नॉर्मली जो हम लोग व्यू लेते हैं वो डिफरेंट तरह का होता है। और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, नीचे बस गाड़ी खड़ी है और ऊपर आने का ऑप्शन था और अच्छा लिफ्ट लुफ्ट बनी हुई है। बनाते हैं वीडियो होटल की भी, बनाएंगे होटल की भी आपको वीडियो अलग से बना के दिखाएंगे, लाइक वी ऑलवेज डू। और अभी थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, शाम को रेडी होंगे फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। माइट भी हम लोग मॉल जाने वाले हैं शाम को, मॉल अभी डिसाइडेड नहीं है, शाम को। अच्छे से हम लोगों ने रेस्ट किया तो अब शाम हो चुकी, शाम नहीं एक्चुअली 2 बज रहे हैं और हम लोग मॉल आ गए। ये नेक्सस मॉल है अमृतसर में ही है, तो इग्नोर अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुका है गेम जोन में। यस, तो काफ़ी अच्छा मॉल है ये, गेम जोन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वो रहे इग्नोर के पीछे पापा काम कर रहे हैं, आज संडे है फिर भी काम आ गया। तो अभी हम लोग मॉल इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बाकी थोड़ा जितना सा हम आपको दिखा सके वो भी दिखा देते हैं। यस, इग्नोर इज एक्साइटेड। है पूरा मॉल, अच्छा मॉल है। काफी अच्छा मॉल है, काफी बड़ा मॉल है। जब हम पहली बार आए थे इस मॉल में तो कुछ भी नहीं खुला हुआ था, ज्यादातर बंद था। और अब पूरा अच्छे से बन गया है। अगर आप भी आ रहे हैं तो आ सकते हैं अच्छी जगह घूमने के लिए। यस।
शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, बच्चों के लिए भी है। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स, हाँ ब्रांड्स भी काफी अच्छे अच्छे हैं। गेम जोन भी, गेम जोन तो बेकार है ना, गेम जोन भी अच्छा है, गेम जोन भी काफी अच्छा है, तो अच्छा है, आप आ सकते हैं। आई गॉट 500 टिकट्स इन नो। तो इधर की साइड ये सारा फूड कोर्ट है, यहाँ पे काफी बड़ा है फूड कोर्ट भी, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, एंड देयर इज बारबेक्यू। हां रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफी बने हैं, मगर फूड कोर्ट भी काफी अच्छा बना हुआ है। हम लोग आज फूड कोर्ट से खा रहे हैं, कहीं से भी खा सकते हैं। सो ये देखो, ये नीचे KFC भी है। इग्नोर का फेवरेट ब्रांड KFC भी है। अमृतसर और ये नेक्स्ट डे है और हम लोग रेडी हो चुके हैं इंडियन अटायर्स में पूरी तरह गुरुद्वारे जाने के लिए। इग्नोर के पापा कैमरे के उस साइड है, अभी हम उनको भी इधर लेके आते हैं। और बस आज हम लोग दरबार साहब जा रहे हैं, इग्नोर को जलियांवाला बाग दिखा के लाएंगे और सराउंडिंग में जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ जाएंगे, खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो हम लोग होटल से आ गए हैं नीचे, हम लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं निकाली है, हम लोगों ने म्यूरी जाना प्रेफर किया, म्यूरी पे, क्योंकि 1 किलोमीटर ही है हमारे होटल से। हम लोग रुके हैं क्लासिक को, रॉयल में नीचे नाम आ रहा है, आप देख सकते हैं होटल भी अच्छा है और हम लोग अब बैठे हैं म्यूरी में, म्यूरी राइड इंजॉय कर रहे हैं इग्नोर भी और इग्नोर के पापा भी। ये होटल होटल तो सही है अभी तक। हाँ होटल अच्छा, होटल ही होटल है यहाँ पे देखो। हाँ ये सारा सराउंडिंग है हमारे होटल का। तो हम लोग पहुँच गए हैं मेन, इसको हेरिटेज स्ट्रीट बोलते हैं आई थिंक, और हम लोग एंटर कर गए हैं। पीछे बहुत प्यारा स्कल्पचर बना है, देयर आर सो मेनी पीपल, हां बहुत रश होती है। तो वो सामने जलियांवाला बाग है ये रहा, हम लोग जाएंगे अंदर अगर खुला होगा तो, और वो रहा सामने गुरुद्वारा। दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं अंदर, ज्यादा शूट करना अलाउड नहीं था तो हम लोगों ने शूट नहीं किया है। बहुत ज्यादा संगत थी, हाँ बहुत ज्यादा संगत थी, 2-2.5 घंटे लग गए। हाँ अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं अभी जलियांवाला बाग चले जाएं और सराउंडिंग गुरुद्वारे चले जाएं। बहुत ज्यादा संगत हुई ना फिर नहीं जाएंगे, मगर देखते हैं। हाँ आपको भी वीडियो में आगे दिख जाएगा। तो अमृतसर आए और लस्सी ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग लस्सी पीने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, टेस्ट करते हैं और आपको भी बता दें कैसी है। अभी देखते हैं यम्मी आई आई, मीठी है कि नहीं पे? ओके इट्स सो फॉमी। हमने अब म्यूरी की है 3 जगह की, एक तो गुरु के महल गुरुद्वारा है, एक भाई शालू जी का टोपा और हमारे होटल तक की, तो ये 400 में हुई है हमारी म्यूरी। तो इजी लग रहा था ना कि चलो एक ही बंदे को करते हैं सीधा होटल तक पहुँच जाएंगे, तो गुरुद्वारे सारे मत्थे टेके जाएंगे। हम लोग कहाँ जलियांवाला बाग गए थे मगर बहुत ज़्यादा बंदा था, तो हम लोग इसको दोबारा कवर करेंगे, दोबारा चलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं गुरु के महल गुरुद्वारे, तो ये गुरुद्वारा है और एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ एंट्री, और ये एंट्री पॉइंट है। 10 से 15 मिनट ही लगे, एक्चुअली ये बीच बीच में से ले गया ना, 10 से 15 मिनट लगे। हाँ हाँ ये गुरुद्वारा, अभी आपको अंदर से भी दर्शन करेंगे। कुछ ऐसे पुरानी गलियों में सेंट्रल के जा रहे हैं, अंदर शॉप्स हैं
कुछ खाने की दुकानें पुरानी है काफ़ी और थोड़ी बम्पी राइड जरूर है मगर ये अंदर जो पूरा अमृतसर की छोटी छोटी सी गलियाँ हैं वो सब हम लोग एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर आप भी इन गुरुद्वारों में जा रहे हैं तो ट्राई यही कीजिए कि आप भी ऐसे ही मतलब म्यूरी राइड या फिर रिक्शा कर लें और सारा घूम अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हेलो, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो आज हम ज़्यादा कहीं गए नहीं थे, मॉर्निंग वगैरह में रेस्ट किया हम लोगों ने और अब बस रात को हम लोग निकले। शाम है एक्चुअली, 7 बज चुकी हैं और हम लोग निकले हैं शहीदों के गुरुद्वारे जा रहे हैं, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। तो हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं और हम फिर से मयूरी में ही बैठे हैं। तो बेस्ट वे है अमृतसर में ट्रैवल करने के लिए कि आप लोग भी मयूरी लीजिए अपनी गाड़ी। हाँ, 20 रुपीज पर पर्सन है यहाँ पे, बट इट्स अ बम्पी राइड। ये पूरी बम्पी राइड है मगर अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, हम लोगों ने लंगर भी खाया है और अब हम लोग फिर से दरबार साहब की मार्केट में आ गए हैं। हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लें और अमृतसर आए हैं तो अमृतसरी जो कुलचे होते हैं यहाँ के स्पेशल वो भी खा लें। तो आज का हमारा डिनर वही रहने वाला है, अमृतसरी कुलचे खाएँगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर अगर पंजाबी जुत्ती वगैरह या सब कुछ शॉप्स बहुत अच्छी हैं, प्राइस भी 300-200-150 रुपए से पंजाबी जुत्ती स्टार्ट है। यहाँ पे सूट वगैरह 500-700 रुपए में बहुत जबरदस्त सूट वगैरह है। तो एक चीज़ ये और यहाँ शॉप्स के बारे अच्छी लगती है कि सबके बोर्ड्स, सबका मतलब एक्सटीरियर जो भी है बहुत सेम बन रखा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना। तो आज फिर से हमने लस्सी ली है, बटर मिल्क और लस्सी। 50 रुपए की है सिर्फ, और अगर आपने ट्राई नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं हमने सजाने का। तो अभी दूध लिया हमने यहाँ से, बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ में है, एक मंदिर है। कैसा है? बहुत यम, दिखाना। हम पीते ही रहते हैं, जब भी आते हैं हम पीते ही हैं। हाँ, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हम लोगों के दर्शन वगैरह बहुत अच्छे हो गए दरबार साहब के भी और सराउंडिंग गुरुद्वारा के भी। हाँ, अच्छा रहा मतलब यहाँ का स्टे। और अब हम जा रहे हैं साडा पिंड, तो नेक्स्ट वीडियो में हम साडा पिंड कवर करेंगे क्या है वहाँ पे हमारा स्टे है। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट प्लस डिनर लिया है,
और बाकी क्या है, हम लोग पहले 5 साल पहले गए थे तो बहुत छोटा था। फोटोग्राफ आपके यहाँ पे आ रही होगी जब हम लोग लास्ट गए थे, तो अच्छा स्टे था तब भी, मगर अब देखते हैं अब नया क्या है, 5-6 साल में क्या बदला वहाँ पे। और अगर आप भी एक्सपीरियंस देखना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और चलिए अगर आपको हमारी फैमिली अच्छी लग रही है और आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट भी करो कि कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग या कैसे लग रही है हमारी वीडियो। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड इट विल बी गो विद द फ्लो, बाय।